नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ सस्ता मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम आ सकता है। आज मैं लेके आया हूँ सस्ते ड्रॉप नॉच डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क गो और दूसरा स्मार्टफोन लावा Z53। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे एक साथ, साथ ही नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स, कैमरा पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के प्राइस की। टेक्नो स्पार्क गो आपको मिलता है 5,350 रुपए में, 2GB रैम, 16GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ, 8MP का आपको रियर में और 5MP का सेल्फी कैमरा आपको इसमें दिया गया है। वहीं बात करते हैं लावा Z53 की, यह आपको मिलता है 4,829 रुपीस में। इसमें आपको मिलती है 1GB रैम, 16GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में 8MP का रियर कैमरा और 5MP का सेल्फी कैमरा। वहीं दोनों मोबाइल के बैटरी की बात की जाए तो टेक्नो स्पार्क गो में आपको मिलती है 3000mAh की बैटरी और लावा Z53 में आपको मिलती है 4120mAh की बैटरी। बाकी वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है दोनों मोबाइल में खास। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ऐसी वीडियो में आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन कर लिया है। सबसे ऊपर हमें दोनों बॉक्स में मिलते हैं स्मार्टफोन, फिलहाल के लिए इन्हें रख लेते हैं साइड में। और अंदर देखते हैं तो यहाँ पर टेक्नो स्पार्क गो में अंदर हमें मिलते हैं क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, माइक्रो टू यूएसबी डाटा केबल आपको इसके साथ मिलती है और एक चार्जर अडेप्टर, जिसकी आउटपुट रेटिंग देखें तो हमें इसमें मिलता है 6 वॉट का चार्जर दिया गया है 5 वोल्ट 1.2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। वहीं नजर डालते हैं लावा Z53 में तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर हमें मिल जाता है फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का मोबाइल कवर फोन की सेफ्टी के लिए। टेक्नो स्पार्क गो में आपको कोई भी कवर नहीं दिया गया है, इसमें भी आपको चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल मिलती है। यह 7 वॉट का चार्जर 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ ये चार्जर आता है और इसमें भी हमें माइक्रो टू यूएसबी केबल मिलती है। और ये है दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन का। बेजल्स आप देख सकते हैं कुछ ऐसे हमें दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। साइज लगभग एक जैसा है दोनों स्मार्टफोन का। वहीं बैक पैनल देखें तो दोनों मोबाइल के बैक पैनल में आपको काफी ग्लोसी फिनिश देखने को मिल जाती है। लावा Z53 में आपको प्रिज्म कट्स दिए गए हैं जो कि काफी अच्छे लगते हैं बैक पैनल में। वहीं टेक्नो में आप देख सकते हैं दोनों मोबाइल का बैक पैनल थोड़ा कर भी आपको देखने को मिलता है। टेक्नो स्पार्क गो में आपको राइट साइड में पावर ऑन की वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं, ऊपर की साइड कुछ नहीं दिया गया है। लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में भी आपको कुछ नहीं मिलता है और बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर आपको यहाँ पर दिया गया है बैक साइड में। यहाँ पर टेक्नो की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें नहीं मिलता है। रियर में आपको मिलता है 8MP का सिंगल कैमरा विद LED फ्लैशलाइट। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कवर हम इसका ओपन कर सकते हैं। इसमें हमें बैटरी को अलग से इंसर्ट करना पड़ता है, यानी कि आपको इसमें इनबिल्ट बैटरी नहीं मिलती है। अंदर आपको दो सिम कार्ड स्लॉट और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है। 128GB तक का मेमोरी कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। और नजर डालते हैं लावा Z53 पर तो इसमें हमें राइट साइड में पावर ऑन की वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं, ऊपर की साइड आपको चार्जिंग जैक और 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। लेफ्ट में आपको एक एक्स्ट्रा की मिलती है गूगल असिस्टेंट की, जो यहाँ पर आपको दी गई है। बॉटम में आपको प्राइमरी माइक दिया गया है और स्पीकर आपको बैक साइड में इस साइड वहीं पर मिलता है जहां पर आपको टेक्नो स्पार्क गो में मिलता है। बैक साइड लावा की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें भी नहीं मिलता है। रियर में आपको 8MP का आपको कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैशलाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 5MP का सेल्फी कैमरा आपको इसमें मिलता है। इसका कवर भी हम ओपन कर सकते हैं और बैटरी आपको इसमें अलग से डालनी पड़ती है, इसमें भी आपको इनबिल्ट बैटरी नहीं मिलती है। यह है 4000mAh की बैटरी, बॉक्स पे लिखा गया है 4120mAh। इसमें भी आपको दो सिम कार्ड स्लॉट और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है और इसमें आप 256GB तक का मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर को ऑन कर दिया है। डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हैं कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। टेक्नो स्पार्क गो में काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, बेटर देन लावा Z53।
तो यहाँ पर आप आइकन देख सकते हैं, कुछ ऐसे हमें देखने को मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन में। यूजर इंटरफेस देखें तो टेक्नो स्पार्क गो में स्क्रॉल अप करने पर आपको सारी की सारी ऐप यहाँ पर देखने को मिलती है। लावा Z53 में आपको होम स्क्रीन पर राइट साइड में सारी की सारी ऐप देखने को मिलती है। और अब नजर डालते हैं सेटिंग में। सबसे पहले टेक्नो स्पार्क गो की हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में स्क्रॉल करने पर हमें सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हमें सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। iOS आपको इसमें मिलता है 5.0.2 का, 2GB रैम है, 16GB का इंटरनल स्टोरेज, 5MP फ्रंट कैमरा, 8MP रियर कैमरा, 2GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है MediaTek Helio A22K चिपसेट के साथ, 3000mAh की बैटरी, स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया गया है 720x1560 का, Android 9.5 आपको इसमें मिलता है। और अब नजर डालते हैं लावा Z53 की सेटिंग में। इसमें हम सेटिंग में चले जाते हैं। स्क्रॉल करने पर हमें सिस्टम का ऑप्शन, जिसमें एडवांस का ऑप्शन दिया गया है, और सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन मिलता है। यहाँ पर आपको IMEI नंबर दिए गए हैं। रैम आपको इसमें ओनली 1GB की दी गई है, 16GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, 1.4GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है, एंड्रॉइड वर्जन 9.5 दिया गया है। बाकी अगर आप मोबाइल परचेस करते हो तो रैम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आप पहले जानकारी हासिल कर लें कि कितने GB हमें इसमें रैम मिलती है, क्योंकि आपको धोखा भी हो सकता है, क्योंकि बॉक्स में आपको कहीं भी 1GB रैम को मेंशन नहीं किया गया है। मुझे लगा इसमें आपको 2GB की रैम दी गई होगी, लेकिन आपको मिलती है ओनली 1GB की रैम। बात करें दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज का, टेक्नो स्पार्क गो में आपको 6.1 इंच की HD+IPS LCD मिलती है, एस्पेक्ट रेशो 19:9 का है, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1500 पिक्सल का आपको इसमें मिलता है। और लावा Z53 में भी आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलती है, HD डिस्प्ले मिलती है IPS LCD पैनल के साथ, 19:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है, और स्क्रीन रेजोल्यूशन 6600x1280 का दिया गया है। बाकी दोनों मोबाइल के रियर कैमरा देखें तो आपको दोनों मोबाइल में एवरेज कैमरा मिल जाते हैं, ठीक ठाक। यहाँ पर जूम करके देखें तो लावा का कैमरा कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप 2x तक जूम कर सकते हैं, टेक्नो स्पार्क गो में आप 4x तक जूम कर सकते हैं, तो ठीक ठाक कैमरा हमें दोनों मोबाइल के देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोनों मोबाइल में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसका टेस्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं दोनों मोबाइल का फेस अनलॉक ठीक ठाक वर्क करता है। बाकी अब बात करते हैं दोनों मोबाइल में से हमें कौन सा खरीदना चाहिए। दोनों मोबाइल का कंपेयर करें तो टेक्नो स्पार्क गो में आपको 2GB की रैम मिल जाती है, 2GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, ठीक ठाक आपको इसमें डिस्प्ले क्वालिटी भी मिल जाती है, लेकिन लावा Z53 में आपको बैटरी तो अच्छी मिलती है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको इसमें 1GB की रैम दी गई है, जो कि काफ़ी जल्दी हैंग हो सकती है, कुछ ऐप डालने पे यह लैग होना शुरू हो जाएगा, इसलिए कम से कम आपको 2GB रैम के साथ जाना चाहिए। बाकी इनके अलावा भी आपके पास कई और ऑप्शन है। Realme C2 आपको मिल जाता है 6000 रुपये की कीमत में, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, बैटरी मिल जाती है, रैम आपको रोम सब कुछ अच्छा मिल जाता है, 32GB तक का आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों मोबाइल में से आपको कौन सा मोबाइल पसंद आया, कौन सा मोबाइल आप परचेस करना चाहोगे, या फिर इनके अलावा दूसरा मोबाइल आप परचेस करना चाहोगे, ये आप सब कुछ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना।